तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पुणे ब्लॉगर रंजना ठाकुर में। तो आप लोग देख सकते हैं आज मैं किचन से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी हाँ, आज मैं किचन साफ करने वाली हूँ, इसकी वजह से आज अपना किचन से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरा नहाना धोना हो गया है क्योंकि आज है मंगलवार और आज मुझे मंगलवार का उपवास है। तो मैं नहा के पूजा वगैरह कर ली हूँ और पूजा करके चाय पी ली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करने, जो कि पेपर चेंज करूंगी, डब्बे वगैरह धोऊंगी और फ्रिज साफ करना है। तो ये सब करने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे डब्बे वगैरह निकालना चालू कर दी हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये पहले जो स्टील के डब्बे हैं सब निकाल रही हूँ, और स्टील के डब्बे ज़्यादातर मेरे पास स्टील के डब्बे हैं, प्लास्टिक के भी है लेकिन स्टील का भी रखी हुई हूँ। एक फ़ायदा होता है कि आप इसको जब धो दो तो ये चकाचक दिखने लगता है। प्लास्टिक के डब्बे थोड़े ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ख़राब दिखते हैं, कितना भी आप साफ़ करो तो क्लीन नहीं होता है। लेकिन बिना प्लास्टिक के डब्बे का काम भी नहीं चलता है, कितना भी आप स्टील के डब्बे। और ये रैक का क्या होता है, आप साफ़ करो क्लीन हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे सामान हम ऐसे रखते जाते हैं रखते जाते हैं, इसके वजह से फिर वो भर जाता है। तभी ये मैं सब निकाल के और ऊपर का जो मेरा हो गया है क्लीन, और नीचे सब मैं पानी से पोंछ रही हूँ, और मैं थोड़ा वीडियो भी बना रही हूँ, पोंछ भी रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं सब पानी से पोंछ वगैरह के उसको साफ़ कर ली हूँ, सूखने के लिए छोड़ दी हूँ। और ये जो मेरा रैक है, बर्तन का रैक है, उसको मैं यहाँ पर धो पोंछ रही हूँ। और ये देखिए पूरा कैसा फैला हुआ है। जिस दिन आप साफ़ सफाई निकालते हो उस दिन तो पूछो मत, दिन तो पूरा चला ही जाता है, ये कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि टाइम उतना लग ही जाता है। तो ये रैक है, रैक निकालती भी हूँ मैं, इसको निकाल के भी छत पे ले जाके कभी कभी धोती हूँ, बट अभी मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। उसी पे मैं सरफ के पानी से उसको साफ़ कर रही हूँ, और साफ़ करके फिर अच्छे पानी से उसको कपड़े गीला करके पोंछ दूंगी। और यहाँ पे विशाल मेरा वीडियो बना रहे थे, मैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा बात भी कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा अभी क्लीनिंग चालू है यहाँ पे। यहाँ पे सब पानी से पोंछ के मेरा हो गया था, तो फिर मैं सूखे कपड़े से सबको पोंछ दी हूँ, थोड़ा देर छोड़ दी हूँ सूखने के लिए। और उसके बाद ये पेपर सब मैं डाली, और पेपर होने से फ़ायदा होता है कि नीचे का जो एरिया होता है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसकी वजह से मैं पेपर डाल देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पेपर होने का। और ये देखिए थैला वगैरह, छोटे छोटे सामान, वो हम क्या होता है थोड़ा कुछ भी सामान मिला तो किधर भी अटकाते बैठते हैं, इतने क्या जगह पर रख नहीं पाते, और इसीलिए साफ़ करने के दिन ज़्यादा हो जाता है। तभी मैं सब वही फोल्ड कर रही हूँ, रख रही हूँ, अभी सभी मैं क्लीन करूँगी अभी। तो यहाँ पे रैक वगैरह तो मेरा क्लीन हो चुका था, तो मैं यहाँ पे जो भी स्टील के बर्तन वगैरह, जो डब्बे वगैरह आप लोग देखे थे निकाली थी, और बर्तन वगैरह वो सब भी अभी धो रही हूँ। तो ये सब धोने के लिए भी मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम जाएगा, और ये सब धोने के बाद सुखा के फिर पोंछ के अच्छे से सामान इसमें रखना पड़ता है। वो समझो तो आप कल कल भी चला जाता है इसमें, क्योंकि आज आप क्लीन करते हो उसको सूखने में, और अभी तो ठंडी का टाइम है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इतने जल्दी सूख नहीं पाता है, तो कल के दिन भी चला जाता है लगाते लगाते। तो अभी मैं वही करने वाली हूँ, और सबका सामान निकाल निकाल के मैं रखी हुई हूँ, तभी यहाँ पे सब मैं धो रही हूँ, और उसके बाद धोने के बाद सबको सूखने के लिए डालूंगी। तो ये देखिए एक तो यहाँ पे भड़के ट्रक भड़के हो गया है धो के, तो अभी बाकी का चल ही रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं बालकनी में डाल दूंगी सूखने के लिए, उसके बाद बाकी का फिर धो धो के डालूंगी यहाँ पे। तो वो सब धोने के बाद बर्तन वगैरह सूखने के लिए डाली, उसके बाद मैं यहाँ फ्रिज चालू कर दी हूँ साफ़ करना। और मैं पहले सोच रही थी कि फ्रिज कल साफ़ करूँगी, लेकिन फिर सोची कि अभी छोड़ दूँगी तो ये भी रह जाता है, तो फिर रह जाता है, फिर मन नहीं होता है। एक दिन हम निकालते हैं साफ़ सफाई तो एक दिन हो जाता है तो ठीक होता है, नहीं तो फिर आलस आ जाती है। तो मैं बोली नहीं अभी फ्रिज भी साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। तभी यहाँ पर मैं फ्रिज भी निकाली और इसको भी साफ़ कर रही हूँ, और फ्रिज मेरा ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता क्योंकि मैं उस पर मैट डालती हूँ, तो गंदा नहीं हो पाता ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मेरा सब क्लीन हो चुका है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे मेरा सब लगा के डब्बा वगैरह कुछ कुछ हो गया है, कुछ बचा हुआ है, अभी नीचे का कुछ बचा हुआ है। तो अभी कुछ सामान बाहर ही है, जैसे कि देख रहे हैं चीनी वगैरह इधर बाहर रखी हूँ, ये डब्बा कुछ सूखा नहीं इसलिए पलट के डाली हुई हूँ। तो अभी ये सब भी अभी कल तक चलेगा ये। और यहाँ पे मेरा फ्रिज भी क्लीन हो गया था, देखिए अभी ये सब फ्रिज में भी भरना बचा हुआ है,
तो चलिए मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।